वेलकम टू वीडियो। एंड इस वीडियो में जो मेरे को दिखाना है लाइक मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे कज़न के साथ। तो उसने जैसे अभी पीछे एग्ज़ाम्स बुक करे थे, तो सारे एग्ज़ाम्स दे दिए, बट एक सब्जेक्ट डेटा ऑफ स्टैटिस्टिक्स करके समथिंग कुछ ऐसा सब्जेक्ट है, उसका एग्ज़ाम हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि वो ओपन नहीं हुआ या फिर कोई भी टेक्निकल एरर था जिसकी वजह से वो हुआ नहीं। तो अभी देखते हैं क्या स्टेप्स लिए। आई थिंक वो 10 तारीख को था, हाँ 10 को था, एंड आज है 17। तो ऐसा क्या स्टेप लिए बेसिकली, उसके बाद अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो गया है तो अब क्या करना है, ठीक है ना। सो सबसे पहले मैं मेल दिखाता हूँ। तो 17th को हुआ था ये अपने साथ, एंड हम सॉरी 10th ऑफ मार्च को हमारा एग्ज़ाम था और 10th ऑफ मार्च को हमारा ओपन हुआ नहीं था। तो सिंपली मेल रेज किया, 11 बजे हमारा एग्ज़ाम था और 11:56 पे मेल रेज किया। तो इसका जो सब्जेक्ट लाइन थी वो थी एग्ज़ाम प्रॉब्लम, इट डिडंट ओपन। अभी ये सेंड किसे करना था, अगर किसी को नहीं पता कि किसे सेंड करना है, देखो गाइडलाइंस को अच्छे से पढ़ना चाहिए, पूरी पढ़ना चाहिए। तो मेरे साथ तो कर चुका हूँ मैं, ये सब देख चुका हूँ, तो मेरे भाई को कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। अभी ये अगर आप नए हो, आपको देखना है आपके साथ कुछ ऐसा हो गया है कि किसे कॉन्टैक्ट करें, तो बेसिकली ये है eproctor@scdl.net। अगर तुम्हारे साथ कुछ भी एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हुए, असाइनमेंट्स में तो कोई इशू नहीं होता, ठीक है, बट ये है कि असाइनमेंट नहीं एग्ज़ाम्स में कोई दिक्कत हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ eproctor, तो उसमें मेंशन है कि तुम्हें eproctor को मेल डालना होगा एग्ज़ाम के 2 घंटे के अंदर अंदर। जैसे एग्ज़ाम जब आपका कंप्लीट हो जाता है या फिर एग्ज़ाम के टाइम ओवर होने के 2 घंटे के अंदर अंदर आप मेल डाल सकते हैं। अगर इसके बाद आपने मेल डाला तो eproctor वाले या फिर SCDL इसके लिए लाइबल नहीं होगा। तो eproctor के साथ साथ मैंने CC में डाल दिया था examquaries@scdl.net, ये यहाँ पर मैंशन है। तो इन दोनों को ही आप कर सकते हैं, बाकी एग्जाम क्वेरीज वालों को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये eproctor वालों को आप बोलो ये देख लेते हैं, ठीक है ना। तो कभी कभी तो ये देख लेते हैं, बाकी तो मेरे तो लड़ाई हो जाती है, मैं सिंपली अपनी बता रहा हूँ, मेरी हुई है काफ़ी बार मेरे टाइम पे। तो इस टाइम तो ये थोड़े कर रहे थे गड़बड़, बट ये है कि मान गए सब्जेक्ट लाइन डाला, उसके बाद सीधा मेल कर दिया। अभी इसमें क्या कंटेंट डाला वो सब देख सकते हो, इसमें ऐसा कुछ है नहीं हाइड करने वाला या प्राइवेट वाला, तो कोई इशू है नहीं। हाय SCDL टीम, आई एम SCDL स्टूडेंट ऑफ डेटा साइंस। तो ये ID है, बेसिक रोल नंबर, तो मनीष मेरे भाई का नाम। आई हैड एग्ज़ाम टुडे एट 11 AM बट इट डिडंट ओपन। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे टेक्निकल इशू या वगैरह जो भी आपको लिखना है, ठीक है, बट ये है कि जेन्युइन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी अगर उल्टा सीधा है तो देखो जेन्युइन ही डालना पड़ेगा। प्लीज़ लुक इनटू दिस रीशेड्यूल एंड द एग्ज़ाम, आई एम ऑल्सो सेंडिंग दी माई होल टिकट। अभी आपको करना क्या है, अपने जो करंट लैपटॉप की वो स्टार्टिंग की पिक थी वो मैंने यहाँ डाल दी, कैप्चर करके इसे डाल दी कि इससे आगे वो बढ़ा ही नहीं था, ठीक है। उसके साथ साथ होल टिकट जो एग्ज़ाम था मेरा उसकी होल टिकट डाल दी। किसी रीज़न की वजह से अगर होल टिकट ओपन ना हुई वहाँ जाने के बाद भी, तो अपने पास से आपको करना क्या है, यहाँ पे एग्ज़ाम डिटेल खुद डाल भी दो, जैसे कि अपना सब्जेक्ट का नेम, कैंडिडेट का नेम, उसकी ID, डेट कब आपका वो था एग्ज़ाम, टाइमिंग क्या थी, और अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर। आप ये चीज़ डालो, होल टिकट पे ज़्यादा डिपेंड नहीं होना। हो जाता है कभी कभी नहीं खुल रहा या कुछ भी इशू है, अपने को क्या अपने ने यहाँ मेंशन कर दिया ना, ठीक है, ये अटैचमेंट डाली तभी। उसके बाद ही ये कितने बजे ये मैंने डाला इन्हें 11:56 पे, 12:07 पे ही उसी दिन, उस दिन 4 एग्ज़ाम थे अगर तुम्हें पता होगा, आपने वो लास्ट वीडियोस देखी है मेरी अगर, तो 4 एग्ज़ाम थे। तो यहाँ से रिप्लाई आया, प्लीज़ रिवर्ट विद कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर लैपटॉप। और उनका जो पहला क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि हमारी तरफ से तो सब सही होगा भाई, तुम अपनी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लो। अपने साथ अब क्या था कि हमने जब ये, तो देखो ये सब इनकी थोड़ी वही सब होती है, बट मेन जो मैसेज था वो यही था कि हाँ बस डियर स्टूडेंट अपनी कॉन्फ़िगरेशन भेजें हमें, इनका मतलब ये है। तो अब यहाँ पे हमने थोड़ा अपनी बात लिख दी कि माय लैपटॉप इज़ अप टू द मार्क, आई वांट टू टेल यू दैट आई हैव गिवन 2 more exams विद द सेम लैपटॉप। इस सेम उसी दिन, जैसे कि आप सभी को पता है, हमने 4 एग्ज़ाम शेड्यूल करे थे, तो उसमें से एक नहीं हुआ था, 2 हम दे चुके थे, और उन सब्जेक्ट्स के मैंने नाम भी लिख दिए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, इंट्रोडक्शन टू आर प्रोग्रामिंग, एंड इनमें कोई इश्यू नहीं हुआ था और ये सब सही चल रहा था, बट इसी एग्ज़ाम में ही हुआ। और आपको करना क्या होता है, इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिए कि अपने जब भी आप मेल भेजें, अभी देखो जैसे ये मेरे को मेल आया था,
तो ये सिर्फ ई प्रॉक्टर की उससे आया था, तो ना तो इसमें सीसी में तुम्हारा ये एग्जाम क्वारीज वगैरह कोई मेंशन नहीं है, बस ये सीधा आपको आया है, ठीक है ना। तो फिर आपको कुछ और भी मेंशन नहीं करना, आपको डायरेक्ट इनसे ही बात करनी है, ये नहीं कि आप और किसी को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ये मैंने सिर्फ ई प्रॉक्टर वालों को सेंड किया था। मेन बात ये आती है कि आप जब भी कोई मेल भेजेंगे अपना उसमें स्टूडेंट आईडी जरूर मेंशन करें, वरना ये होता है कि आप ये मत सोचो कि मैं तो उसी पर रिवर्ट बैक कर रहा हूँ और यहाँ तो मैंने मेंशन किया हुआ था और इसमें क्या ज़रूरत रह गई। तुम क्यों उसे ये मेहनत कराओ कि वो प्रीवियस जाके तुम्हारा कुछ देखे, तो हर अपने उसमें अपना नाम, अपना आईडी और अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर दो, ठीक है। उसके साथ साथ जो उन्होंने मांगा था कि अपनी कॉन्फ़िगरेशन भेज दो, तो कॉन्फ़िगरेशन की मैंने फ़ोटो ली अंदर और वो उन्हें इसमें डाल के वो भेज दी। लेकिन ई प्रॉक्टर वाले प्यार से कहाँ मानने वाले इंसान हैं। शाम को 6:11 पे इनका एक और मैसेज आया, काइंडली चेक द exe इज़ रनिंग फाइन ऑन योर लैपटॉप एंड रिवर्ट बैक विद द स्क्रीनशॉट। यहाँ मेरा दिमाग ख़राब हो चुका था भाई। सिंपल सी बात है, कोई बंदा कह रहा है सेम लैपटॉप से, मैंने यहाँ मेंशन किया है कि भाई दो एग्ज़ाम दिए हैं बट इन एक्चुअली मैं 3 दे चुका था, एक ही तो मेरा नहीं हुआ, 4 एग्ज़ाम थे मेरे, तुम्हें तब भी समझ नहीं आ रही तुम exe फाइल तुम्हें रन चाहिए। तो मन इस टाइम पे पूरा लड़ने का मेरा हो चुका था, ठीक है, पर टाइम नहीं मिल रहा था। 10 तारीख को पता नहीं मैं बिजी हो गया, ठीक है, और मेरे को रिप्लाई करना था, स्क्रीनशॉट भेजनी थी। ऐसा बिल्कुल मत समझना कि अगर आपने उसी दिन रिप्लाई नहीं किया, उस दिन बात नहीं की या हफ्ते भर बात नहीं की तो ये कुछ नहीं करने वाले, नहीं, आपने मेल डाल दिया है अब तो भाई 2-4 साल 5 साल जितना भी है आपको टाइम है, आप कभी भी इसके लिए इनका पंगा ले सकते हैं। तो आज मैंने फाइनली सोचा कि चलो आज मेरे को टाइम मिला, ठीक है, आज होली है एंड आज मेरे को टाइम मिला कि हाँ चलो आज मैं मेल वेल करता हूँ। तो मैंने एक बार मेल चेक कर लिए, क्या पता कुछ आया हो, इसके बाद इनसे तो यहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया। बट आई वांट शो यू वेयर इज दैट, यहाँ पे मेरे पास एक मैसेज मेल आया, ये था examteam@scdl.net। तो अभी अगर आपके साथ कुछ भी इशू हो रहा है तो आपको ई प्रॉक्टर वालों को उसमें 2 में डालना है और सीसी में आप examteam@scdl.net भी डाल सकते हैं। एग्जाम क्वारीज वालों को साइट रखो, उसमें वो मेरे पास था मैंने डाल दिया, लेकिन आप लोग इन्हें भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ उनसे बात हुई, इन्हें मैंने कोई मेल नहीं डाला था बट यहाँ से मेरे पास डायरेक्ट मैसेज मेल आया एंड ये 12th March को आ गया था, ठीक है ना, मैंने देखा भी नहीं था, मैं सही बता रहा हूँ, मैंने आज ही देखा है, ठीक है, 5 दिन पहले 5 days ago यहाँ लिखा हुआ है 12th March को, 2 दिन बाद ही आ गया था कि डियर स्टूडेंट दिस इज़ विद द रेफरेंस टू द ब्लो एग्जाम डिटेल्ड रिक्वेस्ट रिसीव फ्रॉम यू टू रीशेड्यूल ड्यू टू द टेक्निकल प्रॉब्लम फेस बाय यू, प्लीज नॉट द एग्जाम हैज बीन रीशेड्यूल्ड एंड रिलीज्ड फॉर बुकिंग एक्सेस, रजिस्ट्रेशन नंबर जो मैं हर बार सेंड कर रहा था, सब्जेक्ट का नेम बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डेट ऑफ एग्जाम 10/3/2022, ये उस एग्जाम की बात कर रहे हैं जो हमने 10 को दिया था, ठीक है ना। अभी यहाँ पर रीशेड्यूल के लिए उन्होंने बोल दिया है, तो फाइनली आज बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स व्यू डिटेल्स पे जाते हैं, मैंने अभी 2 मिनट पहले ही करा है, तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं डाउनलोड होल टिकट बुकिंग डिटेल्स व्यू एक्टिवेशन की, बेसिकली 20th March को संडे होगा 6 बजे के लिए मैंने एग्ज़ाम बुक कर दिया है। तो अगर किसी को भी इशू आ रहा है, इस वीडियो का मेन मोटिव सिर्फ यही है कि आपको किसे मेल डालना है, कितने टाइम के अंदर डाल देना है। अगर आप 2 से 3 घंटे के बाद डाल रहे हो तो प्रॉब्लम होने वाली है, तो 2 घंटे के अंदर अंदर डाल देना, उसमें examteam@scdl.net और ई प्रॉक्टर वाला वो जो प्रीवियस दिखाया था, इन दोनों को आप इन इसमें ज़रूर डालें और रिप्लाई आएगा जो भी पूछे बताओ, और पैसे चाहिए पैसे मिल जाएंगे वापस, रीशेड्यूल हो जाएगा, कोई इशू की बात नहीं है। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस गाइज, हैव अ ग्रेट डे।